So hi everyone, in this video we will cover the chapter inventory from the BPP kit. So question first is 6.1, the inventory value of for the financial statement of global company for the year ended 30 June 2023 was based on inventory count on 7 July 2023, which give a total inventory value of 950,000. Between 30 June and 7 July 2023, the following transaction took place. What figure should be included in the financial statement for the inventory at 30 June 2023? Okay, so question, just wait, I will increase the font so that कि आप लोगों को visible रहे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6.1. ओके, तो आपको एक डेट दिया हुआ है इन्वेंट्री काउंट का, एंड वो डेट है, एक सेकेंड है, इसको बड़ा. ओके, सो आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया है कि इन्वेंट्री काउंट हुआ है, बिटवीन डेट दिया हुआ है, दैट इज 30 जून से लेके आपका 7 जुलाई 2023 तक. ओके, एंड आपको बोला गया है कि 30 जून में आपका इन्वेंट्री क्या था वो पूछ रहा है, बाकी आपको रिमेनिंग वैल्यू दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आपको इस डेट का पूछ रहा है, ठीक है, और इस बीच में, इस डेट के दोनों के बीच में परचेज कितना हुआ वो बोल रहा है, सेल्स कितना हुआ वो भी बता रहा है, और गुड रिटर्न बाय ग्लोबल कंपनी ने सप्लायर को कितना रिटर्न किया, मतलब डेट इज़ द परचेज रिटर्न, वो भी कितना हुआ वो भी क्वेश्चन बोल रहा है. एंड आपको एक और चीज़ दी हुई है, 7 जुलाई 2023 की वैल्यू, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू, इतना इन्वेंट्री है वो भी दिया हुआ है. तो हम लोग सिंपली एज्यूम करते हैं, यहाँ पे हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री और यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है. तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. एंड जस्ट वेट, ओके, तो आपको पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या है हमारा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री देन प्लस परचेज एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री. ये आपको, आप लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया नहीं है, बट आपको सेल दिया हुआ है. तो सेल भी बोल रहा है कि मार्कअप लगा हुआ है 15% का, तब जाके हमारे सेल्स की वैल्यू इतनी आई है. तो आपको पता है मार्कअप किस पे लगता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, ठीक है. तो सपोज आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देन प्लस मार्कअप लगेगा, मार्कअप देन इक्वल टू आपका सेल्स की वैल्यू होगी. तो सपोज आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100% है, ओके, एंड मार्कअप आपको दिया हुआ है डेट इज़ द 15%, ओके, तो हमारे सेल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 115%. इट मीन्स जो ये सेल्स का फिगर दिया है ना, ये हमारा 115% है, और हम लोग को 100% फाइंड करना है, ओके. तो आप सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है, ये हमारा कितना है 100, ठीक है. तो 100 फाइंड करना है, और इसको डिवाइड करेंगे हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेल्स की वैल्यू लो, ये इजी रहेगा, 45950, ठीक है. अब इस पे क्या, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को 100% फाइंड करना है, और ये सेल्स की वैल्यू कितनी है, ये 115% है, तो डिवाइड कर दो इससे, आपको कितनी आएगी देखो, 49500 डिवाइड 115, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है 13,000, ओके, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज द ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, ठीक है. अगर परचेज रिटर्न है तो माइनस परचेज रिटर्न कर लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दिया हुआ है, एंड देन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अब इक्वल टू 13,000, ओके. ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं है, वी नीड टू फाइंड इट आउट, ओके, एंड वी हैव गिवेन ए परचेज, परचेज इज 11750 माइनस परचेज रिटर्न, गुड रिटर्न बाय ग्लोबल कंपनी टू सप्लायर, मतलब कंपनी ने, ग्लोबल कंपनी ने परचेज किया था, उसको रिटर्न करी था, परचेज रिटर्न हुआ ना, तो 1500, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपको ये रहा दिया हुआ है 7 जुलाई 2023 का, डेट इज 950123,
इक्वल टू 13,000। अब इसको सॉल्व करो, आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा, अलजेब्रिक में सीखा होगा ना। सो कितना आता है, लेट्स डू इट। सो आई गट 952750 एज माई आंसर। यही आपका आंसर होगा, जो आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन 30 जून को कितना जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यही आपका आंसर होगा 952750। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6.2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट में बी इंक्लूडेड वेन अराइविंग एट द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग गुड इन्वेंट्री फॉर द इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, तो कौन कौन सा हम लोग कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब हम लोग फिनिश्ड गुड तैयार करने के बाद में, जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिनिश्ड गुड तैयार करने के बाद में उसमें कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूड करती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा कैरिज इनवर्ड लगता ही है, ठीक है, कैरिज आउटवर्ड हमारा नहीं लगेगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। सो ये हमारा, ये इसमें नहीं इंक्लूड होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री प्लांट, ये भी नहीं लगेगा हमारा, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट। जस्ट वेट, नहीं नहीं लगेगा, फैक्ट्री प्लांट बोल रहा है, सॉरी, लगेगा फैक्ट्री का प्लांट बोल रहा है, वो गुड्स से रिलेटेड है, तो ये हमारा लगेगा। एंड फिनिश्ड गुड स्टोरेज कॉस्ट, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, तो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आप लोग चैप्टर में देखे होंगे कि आपको दिया हुआ इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते वक्त कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होता है, वो एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड फैक्ट्री सुपरवाइजर वेजेस, ये भी हमारा इंक्लूड होगा, इट मीन्स हमारा 1, 3 and 5, इसमें से 1, 3, 5 का ऑप्शन कौन सा, सी हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया। एंड 6.3, द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द एट अ कॉस्ट ऑफ अ कंपनी एट 31st January 2023 अमाउंटेड टू 284,700, द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड एट द कॉस्ट इन द टोटल। ओके, व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री वैल्यू अकॉर्डिंग टू IAS 2 इन्वेंट्री आफ्टर कंसीडरिंग द अबव आइटम। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कंपनी का दिया हुआ है और बोलता है इस कॉस्ट में, इस क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये सब आइटम इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू क्या दिया है, जस्ट राइट इट डाउन, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 284,700। ओके, सो इस आइटम को, द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड एट द कॉस्ट इन द टोटल। ओके, तो इस कॉस्ट में ये सब इंक्लूड, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ओके, तो अब उसके बाद क्या बोलता है, 400 coat विच हैड कॉस्ट 80 ईच नॉर्मली सोल्ड फॉर 150 ईच ऑविंग टू ए डिफेक्ट इन ए मैन्युफैक्चर, दे वेर ऑल सोल्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एट 50% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 5% ऑफ द प्रोसीड। ओके, तो आपका ओके, एक सेकेंड। ओके, तो क्या है आपका 400 का कोट है, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, कोट का एक होता है कॉस्ट, एक NRV है ना, तो ये एक मिनट। ओके, यहाँ पे डालते हैं कॉस्ट कितना है, कोट का हमारा कॉस्ट हो जाएगा 400 इंटू 80 इक्वल टू 32,000। और उसका NRV कितना हो जाएगा, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अब बोलता है ये इसमें कुछ डिफेक्ट आ गए हैं, अब दे विल ऑल सोल्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एट 50% ऑफ देयर नॉर्मल प्राइस, मतलब नॉर्मल प्राइस क्या है इसका 150, अब इसका 50% नॉर्मल प्राइस में सोल्ड होगा, इट मीन्स कितना हो जाएगा 150 का 50%, तो आपका हो जाएगा 75, ठीक है, 75 समझे ना, कैसे लाया 150 का 50%। एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 5% ऑफ दिस प्रोसीड। ओके, अब सेलिंग एक्सपेंस भी है आपका, एक सेकेंड, हाँ, दे वर ऑल सोल्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एट 50% ऑफ देयर नॉर्मल प्राइस, सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 5% ऑफ द प्रोसीड। ओके, तो 5% ऑफ द प्रोसीड, तो सेलिंग एक्सपेंस हम लोग को माइनस करना होगा ना NRV में से, तो माइनस
एक सेकेंड में क्लिक कर लेती हूँ अपने इसमें कैलकुलेटर पे, 5 डिवाइड बाई 100 ओके। तो देखो मैं डिटेल में बताती हूँ आप लोगों को, 150 का बोल रखा है 50%, ठीक है, ये बोल रखा है, जो आएगा आपका 75, तो ये समझ गए 75 होगा, एंड 75 माइनस, अब हमारा सेलिंग एक्सपेंस भी है, तो एनआरवी में क्या होता है कि जितना भी सेलिंग एक्सपेंस वो माइनस करने के बाद सेलिंग प्राइस से जो भी वैल्यू आता है वो हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, तो इसमें से 75 रुपीज़ का आपका 5% माइनस होगा, ठीक है, और इसको फिर इंटू कर देंगे, हमारा 400 कोट है ना, तो वो इंटू 400, ये तो एक कोट के लिए हो गया, है कि नहीं, हमारे पास 400 कोट है, तो अब इसके बाद क्या आएगा, आप सॉल्व करो, सो एन आर वी इक्वल टू 75 माइनस 75 का 5% 3.75 इंटू 400 इक्वल टू माइनस 75 इंटू 400 आपको आएगा 2,8,500, ठीक है। अब देखो आप इसमें से हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन में IAS 2 के अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन या फिर उसके जो भी कॉस्ट या NRV में से जो लोअर होगा उसको इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट तो हायर है NRV लोअर है, तो हम लोग को इट मीन्स यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, इस क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये वाला वैल्यू इंक्लूड है ना, तो नाउ उसके बाद रिवाइज्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू आपके पास कितना है 2,8,4,700, ठीक है, इसमें से पहले 32,000 माइनस करना होगा बिकॉज ये हमारा इसमें इंक्लूड है, इसको माइनस किया अब इसको प्लस करना होगा, प्लस 2,8,500 सो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,8,4,700 हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 32,000 प्लस 2,8,512 सो 2,8,1,200 हमारा आया। अब नाउ बी नंबर, 800 स्कर्ट विच हैड कॉस्ट ऑफ 20 ईच, ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्कर्ट का भी कॉस्ट लिख लेते हैं, स्कर्ट ओके, तो इसका कॉस्ट इक्वल टू कितना है 800 इंटू 20 ईच सो इक्वल टू 16,000 हुआ। उसके बाद में दीज आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव एडिमेडल वॉक इन फेब्रुअरी 2023 कॉस्ट 5 पर स्कर्ट एंड सेलिंग एक्सपेंस फॉर द बैच टोटल 800 एंड दे वर सोल्ड फॉर 20 ईच ओके। सो हम NRV कैलकुलेट करते हैं, NRV एक सेकेंड हाँ ओके देखो अब NRV में क्या करेंगे, हमारे पास कितना स्कर्ट है 800 ठीक है, अब इनटू देखो अब उस कॉस्ट पे कुछ वर्क हुआ कुछ काम हुआ क्योंकि उसमें डिफेक्टिव था जिसपे 5 रुपये पर स्कर्ट लगा ठीक है, और सेलिंग एक्सपेंस फॉर द बैच टोटल मतलब 800 स्कर्ट का टोटल में आपका 800 आ रहा है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जस्ट एक मिनट मैं बताऊंगी इसके बारे में भी, एंड दे वर सोल्ड फॉर 20 अब 20 ईच में सोल्ड होते हैं पर इसमें 20 ईच मतलब पर स्कर्ट का एंड इस पर 5 रुपये जो पर स्कर्ट एफ एक्सपेंस हुआ ये देखो ये वाला एक्सपेंस ये हमारा एक्सपेंस इसको भी माइनस करना होगा माइनस 5 देखो ये 800 जो बैच है या फिर इसको पूरा टोटल कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट 800 माइनस कर दो तब भी चलेगा या फिर आप इसको पर स्कर्ट की वैल्यू निकालो, अगर टोटल पे 800 आपका एक्सपेंस जा रहा है तो पर स्कर्ट इसका मतलब 1 रुपया हमारा एक्सपेंस जा रहा है तो माइनस 1 यहाँ से भी कर दो तो ये आपको कितना आ जाएगा 800 इंटू 22 सो 17,600 आएगा ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो या फिर मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, NRV इक्वल टू 800 इंटू ब्रैकेट 28 माइनस 5 करके और माइनस 800 कर दो तब भी आपका वही आंसर आएगा, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम योर कैलकुलेटर देखो कितना आता है
तभी भी आपको 17600 आएगा। यू कैन चूज एनी वन ऑफ द मेथड, मतलब कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। अब देखो हमारा कॉस्ट 16000 है, एनआरवी ईयर है, तो लोअर कौन सा है? कॉस्ट, तो हम लोग कॉस्ट को लेंगे ना, और ये कॉस्ट हमारा ऑलरेडी इंक्लूड है, सो इसको हम लोग को मॉडिफाई, इसमें से कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर ये वाला ही हो जाएगा। सो इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। गॉट द पॉइंट? ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6.4, ए कंपनी वैल्यूज इन्वेंट्री यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एट मई 20x। द कंपनी हैज 700 इंजन इन द इन्वेंट्री वैल्यूड एट ए 190 इच। ड्यूरिंग द ईयर इन 30 अप्रैल 20x द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ कंपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ए इंजन एट 30 अप्रैल 2023। ओके, 6.4 में आपको पूछ रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री का पूछ रहा है, अगर फीफो मेथड के अकॉर्डिंग यूज करते हो तो। सो आपका टोटल इन्वेंट्री कितना आई देखो, तो ओपनिंग प्लस टोटल इन्वेंट्री आपके पास कितना है? ओके, सो आपके पास टोटल कितना है? 700 आपके पास फर्स्ट मई को था ओपनिंग, ठीक है, एंड उसके बाद में आपने परचेज भी किया प्लस 500, ठीक है, फिर सोल्ड किया, फिर परचेज किया 300 प्लस 300। ओके, सो टोटल कितनी हो गई? आपको हो गई 1500, ठीक है, और सोल्ड कितना किया है? सोल्ड वाला अमाउंट देख लो, उसको माइनस करना होगा। सो 400 सोल्ड किया प्लस आपने 250 भी सोल्ड किया, सो कितना ऑल टुगेदर सोल्ड हुई है? 650, ठीक है। तो सिक्स, आप 1500 में से 650 घटा दो तो आपको कितना आता है? सो यू विल गेट 850। सो बैलेंस इक्वल टू 850, ठीक है। अब देखो ये 850 को हम लोग किस किस पे वैल्यूड करेंगे, तो 300 वाले पे और इधर 500, ये हो जाएगा 800 और 50 यहाँ से, तो ओके। अब देखो मैं एक चीज़ समझाती हूँ, अब आपको पता चल गया 850 क्वांटिटी, आई मीन 850 इंजन इन हैंड है, प्राइस अभी पता नहीं चला है, ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अब फाइंड करेंगे। मैं बताती हूँ आपको, देखो 700 हाथ में था, परचेज किया 500, इसको रहने दो, आपने 400 सोल्ड किया, 400 यहाँ से गया होगा, ठीक है, 300 बची है यहाँ पे आपको, और ये 300 फिर आपने, सॉरी 250 यहाँ से भी सोल्ड किया, तो 250 आपका भी यहीं से गया होगा 300 में से, इसमें से यहाँ पे हम लोग को 50 ओपनिंग वाले ही में बच गया था, तो 50 इंटू कितना है 190 का है, प्लस आपका फिर परचेज 500 इंटू 220 का ईच है, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, एंड प्लस 300 इंटू 230 है, सो नाउ अब इसको जोड़ लो कितना आता है। ओके, तो ऑल टुगेदर देखो यूनिट आपका 850 हुआ कि नहीं, 50 ये बोल्ड कर देती हूँ, एंड ये 500 ये 550, एंड 300 ये 850, जो कि हमारा क्वांटिटी यहाँ बैलेंस बचा था वो 850 ही ना। अब देखो इसको आप जोड़, आई मीन वो एडिशंस करो कितने आते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 50 इंटू 190 आपका हो जाएगा 9500 प्लस आपका 500 इंटू 220 होगा आपका 111234 प्लस आपका 300 इंटू 230 होगा आपका 69123। सो ऑल टुगेदर आपका हो जाएगा प्लस 111234 प्लस 9500, सो 188500, दैट इज द ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 6.5, आइडेंटिफाई बाय इंडिकेटिंग द रिलेवेंट बॉक्स इन द टेबल बिलो वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्री आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू आई एस टू इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री आइटम आर नॉर्मली टू बी वैल्यू एट ए हायर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि हम लोग लोअर ऑफ द कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू करते हैं ना, सो इनकरेक्ट है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बाई एंटिटी विल बी इंक्लूड मेटेरियल एंड लेबर ओनली, ओवरहेड कॉस्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड, ये भी गलत है बिकॉज हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, ये आप लोग F2 में भी पढ़ोगे, तो ये
हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग इंक्लूड करते हैं. लिफो कैन नॉट बी यूज टू वैल्यू इन्वेंट्री. यस, ये हम लोग को IS2 परमिट नहीं करता लिफो यूज करने के लिए. सो ये भी करेक्ट है हमारा. सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन में बी यूज टू अराइव एट अ कॉस्ट इफ दिस गिव अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन टू द एक्चुअल कॉस्ट. ये भी हमारा करेक्ट है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6.6. ए कंपनी विद अकाउंटिंग डेट ऑफ 31st October कैरिड आउट ए फिजिकल चेक ऑफ इन्वेंट्री ऑन 4th November 2023 लीडिंग टू द इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ द कॉस्ट एट दिस डेट वॉज 483,700. ओके, एंड व्हाट फिगर शुड बी अपीयर इन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट 31st October 2023. ओके, सो अगेन फर्स्ट वाला जैसे क्वेश्चन है आपका. ठीक है, एक सेकेंड है. सो ओके, क्वेश्चन नंबर 6.6. ए कंपनी विद एन अकाउंटिंग डेट इतना बोल रहा है, जैसे फिजिकल काउंट हुआ और आपको मतलब लाइक ऑन उसका सॉरी कंपनी को मतलब अकाउंटिंग डेट है 31st October. ठीक है, पर उसका फिजिकल काउंट हुआ ऑन 4th November 2023 और उस दिन उसका इन्वेंट्री था 483,700. ठीक है, पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 31st October का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस कितना था. इट मीन्स ऊपर के जिससे क्वेश्चन कि यहाँ का इन्वेंट्री पूछ रहा है और यहाँ का दिया हुआ है. इट मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है और इन इस दोनों डेट के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुई है जो कि यहाँ पे लिस्ट बना के दिया हुआ है 1, 2, 3, 4. तो आपको फाइंड आउट करना है कि 31st October 2023 को हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था. कहने के लिए वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है बट ऐसे देखो तो ओपनिंग इन्वेंट्री है. तो देखो अब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला निकालते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज माइनस कर देंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. यही किया था ना. अब देखो अब एक एक करके हम लोग फॉर्मूला पुट करते जाते हैं, वैल्यू पुट करते जाते हैं. ठीक है, तो आपको ना इसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ बिटवीन 1 नवंबर बोला हुआ है, 31st October के बाद 1st November भी आता है. ठीक है, तो गुड्स कॉस्टिंग 38,400 वे रिसीव फ्रॉम सप्लायर. क्या हमारा परचेज है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ लेट इट बी ये हमारा परचेज हो गया. एंड गुड्स डैट हैड कॉस्ट 14,800 सोल्ड फॉर 20,000, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका कॉस्ट इतना था उन्होंने बेचा इतना भी, सेलिंग प्राइस सेलिंग हो गया सेल्स और ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको कितना दिया है 14,800. ओके, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग को फाइंड आउट करना है और प्लस परचेज ऊपर बोल रखा है कि आपने इतना गुड रिसीव किया सप्लायर से 38,400. ओके, एंड उसके बाद कस्टमर रिटर्न इन अ गुड कंडीशन सम ऑफ द गुड्स विच हैड बीन सोल्ड टू हिम इन अक्टूबर फोर 600 विच हैड कॉस्ट 400. अब कस्टमर को अपने गुड सोल्ड किया था वो आपको रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस करेंगे, वो भी कॉस्ट माइनस करेंगे, नॉट द 600, वो हमारा सेल्स वैल्यू है. ठीक है, एंड उसके बाद में आपको बोल रहा है कि द कंपनी रिटर्न गुड्स दैट हैड कॉस्ट 1800 इन अक्टूबर टू सप्लायर एंड रिसीव ए क्रेडिट नोट फॉर देम. मतलब कंपनी ने सप्लायर को गुड रिटर्न किया, दैट इज परचेज रिटर्न. तो परचेज रिटर्न आप माइनस करोगे, माइनस परचेज रिटर्न कितना हो जाएगा 1800. सो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपको दिया हुआ है, दैट इज हियर 483,700. ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया. मैं फिर से बताती हूँ कि कंपनी की अकाउंटिंग एंड और अकाउंटिंग डेट 31st October थी, पर उसने इन्वेंट्री जो काउंट उसे फिजिकल काउंट 4th November को किया उसी साल में 2023 में. तो आपका पूछ रहा है कि 31st October को कितना क्लोजिंग इन्वेंट्री था. ठीक है, ये हमारा टाइमलाइन हो गया. तो आपको इस डेट का क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का दिया, इस डेट का फाइंड आउट करना है. इट मीन्स आपको ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है. तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पता है, ये लगा दिया. ठीक है, और आपको बोलता है कि फर्स्ट कंपनी ने गुड रिसीव किया सप्लायर से, तो इट मीन्स आपने परचेज किया हुआ तभी तो रिसीव किया ना 38,400. ठीक है, सो फर्स्ट हो गया आपका ये परचेज. सेकेंड बोलता है कि आपको कि आपने गुड सोल्ड किया, जिसको सोल्ड किया 20% पर उसका एक्चुअल कॉस्ट था 14,800. इट मीन्स हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही है 14,800. ठीक है, और फिर कस्टमर ने गुड रिटर्न किया जिसको आपने सोल्ड किया था अक्टूबर में, जिसको सोल्ड किया था आपने 600 में पर उसका एक्चुअल कॉस्ट था 400. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस करेंगे क्योंकि कस्टमर रिटर्न कर रहा है, हमारे पास ही आ रहा है. तो उसके बाद में आपने कंपनी ने रिटर्न किया सप्लायर को 1800, दैट इज अ परचेज रिटर्न, वो हम लोग परचेज में से माइनस किया. उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया ही हुआ है, अब इसको आप कैलकुलेट करो.
सो ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू, आप कैलकुलेट करो कितना आता है, इतना आना चाहिए। मैं फिर से मैं कर लेती हूँ एक बार और। सो 14800 माइनस 400 देन प्लस 483700 एंड माइनस 38400 एंड प्लस 1800, सो आपको 461500 आ रहा है। सो आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। ओके, सो 6.7, इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करेंट ईयर कंपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड बाय 300,000, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ दिस ईयर इफ रिमेन अनकरेक्टेड। ओके, अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट मतलब कम दिखाते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगा तो इस साल का ग्रॉस आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। इस साल का आपको प्रॉफिट कम आएगा एंड फिर आपको एक और इस साल का हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कम दिखाया तो नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री कम हुआ तो आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, उसके बाद प्रॉफिट आपका ज़्यादा दिखेगा, इट मीन्स ओवर स्टेटेड, समझ गए। मतलब इस ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री कम दिखाते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा दिखेगा क्योंकि वो माइनस होता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा दिखेगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट हमारा कम दिखेगा, ठीक है। इस साल का हुआ करेंट ईयर प्रॉफिट अंडर स्टेटेड, इसका मतलब बी और सी में से एक। उसके बाद में आपका नेक्स्ट, आप क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साल का कम दिखा रहे हो, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगा क्योंकि इस साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगा नेक्स्ट ईयर का तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुआ तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, इट मीन्स नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट ओवर स्टेट दिखेगा, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। 6.8, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ मिटेक्स कंपनी एंडेड ऑन 31st December 2020, इन्वेंट्री काउंट ऑन January 4, 2020 टू गिव ए टोटल इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ 527,300 एंड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकॉर्ड बिटवीन January 1 to January 4। ओके, सो क्वेश्चन 6.8 अगेन वही डेट लिख लो पहले, ठीक है। 31st December का पूछ रहा है, 31st December 2020 का, ठीक है। एंड आपको 4 January 2020 का दिया हुआ है, तो अगेन वही हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके। और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया, यहाँ पे सेल दिया हुआ है और मार्जिन भी दिया हुआ है, तो आपको पता है मार्जिन किस पे लगता है, सेल पे लगता है, ठीक है। तो हमारा सेल माइनस मार्जिन करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, ठीक है। मान लो हमारा सेल्स 100% है और मार्जिन कितना दिया है, 40% है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60% आएगा, ठीक है। सो नाउ COGS फाइंड करते हैं, तो हमारा सेल्स कितना दिया हुआ है, 15,000, ठीक है। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 60% फाइंड आउट करना है और डिवाइड बाई ये सेल्स की वैल्यू, सेल्स कितना है 100% डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपको कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 15,000 × 60 / 100, सो यू विल गेट 9,000, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू 9,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा दिया नहीं है, जो फाइंड आउट करना ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज दिया हुआ है 7,900। उसके बाद बोलता है गुड्स रिटर्न टू सप्लाई, इट मींस परचेज रिटर्न, तो परचेज से माइनस करेंगे 800 और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया है 527,300 4 January वाला, एंड आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,000 है। इसको सॉल्व करो आपको कितना आता है, लेट्स सी, 9,000 प्लस 527,300 एंड प्लस 800 माइनस 7,900, सो 529,200 ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IS-2 इन्वेंट्री इज करेक्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी इन अ पीरियड। यस, यही हमारा करेक्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ट्रेड डिस्काउंट रिसीव मस्ट बी डिडक्टेड एंड सेलिंग कॉस्ट मस्ट बी एडेड, सेलिंग कॉस्ट मस्ट बी एडेड,
सेलिंग कॉस्ट नहीं इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, हम लोग ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं लेकिन सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता, सो ये भी गलत। इन अराइविंग एट अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लिफो लिफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला आर एक्सेप्टेबल, लिफो एक्सेप्टेबल नहीं है सो इसलिए गलत है, ठीक है। इट इज परमिटेड टू वैल्यू फिनिश गुड इन्वेंट्री एट ए मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट ओनली विदाउट एडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड, मैंने बोला था तभी भी पिछले वाले क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करते हैं जब इन्वेंट्री को जब फिनिश गुड का इन्वेंट्री हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तब, ठीक है। तो ये हो गया 6.10, यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बिजनेस, द कॉस्ट ऑफ आइटम इन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 41875, दिस इंक्लूड सम आइटम विच कॉस्ट 1960 एंड विच वर डैमेज इन ट्रांजिट, यू हैव एस्टिमेटेड दैट इट विल कॉस्ट 60 टू रिपेयर देम एंड दे कैन सोल्ड फॉर 1200, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके 6.10, सो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 41875, जिसमें से कुछ गुड्स है जिसका कॉस्ट 1960 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक मिनट, कॉस्ट कितना है 1960 और एनआरवी कितना है, क्योंकि उसमें कुछ डैमेज हो गया ट्रांजिट में तो हम लोग उसको कुछ रिपेयर करने में खर्च चाहिए, उसके बाद वो सोल्ड हो सकता है 1200 में, 1200 माइनस सेलिंग एक्सपेंस कितना है 360, सो कितना है 1200 माइनस 360 कितना आ रहा है 840। अब देखो ये इसमें से लोअर कौन सा है, ये है ना, तो हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 41875 माइनस करेंगे 1960 एंड प्लस करेंगे 840, तो कितना आता है लेट्स सी, 41875 माइनस 1960 प्लस 840, 4755, सो बी आया 4755, ठीक है। 6.1, एस सिल्स थ्री प्रोडक्ट बेसिक सुप्रा लग्जरी एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल एट द ईयर एंड, ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, ओके फाइन, ये क्वेश्चन भी इजी है, क्वाइट इजी है, पर कॉस्ट वैल्यूएशन जो क्या क्या इंक्लूड है वो आप लोग देख लेना, बिकॉज एग्जाम में पूछे तो मुझे खुद आया था एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग एक बार अच्छे से जो जो आई मीन कॉस्ट इंक्लूड होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 6.11, ओके हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है, बेसिक एंड सुप्रा एंड लग्जरी, ओके ओके तो बेसिक सुप्रा लग्जरी, ठीक है। अब इन सब का कॉस्ट एंड एनआरवी देखते हैं, ये हो गया कॉस्ट एंड ये एनआरवी, ठीक है। एंड इसके बाद में इसमें से कौन कौन सा लोअर होगा वो भी यहाँ पे देखते हैं, लोअर और उसके बाद ऐड करके देखेंगे। ओके तो बेसिक का कॉस्ट क्या, ओरिजिनल कॉस्ट है 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, 200 इंटू 6 इक्वल टू 1200, ठीक है। और एनआरवी कितना है आपका, देखो सेलिंग प्राइस माइनस ओके जस्ट वेट, ये सही रहेगा, कॉस्ट हमारा 6 है और एनआरवी आपका 9 है, सेलिंग प्राइस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 1 है, तो मेरा सेलिंग एक्सपेंस जो भी माइनस करने के बाद एनआरवी आएगा, सो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इन दोनों में से लोअर कौन सा है हमारा, कॉस्ट, तो कॉस्ट लेंगे तो 6 इंटू इसका यूनिट कितना है 1200, ठीक है। सिमिलरली हम लोग लेते हैं सुप्रा का, सुप्रा का कॉस्ट है 9 एंड 12 सेलिंग प्राइस माइनस 4 वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8। अब दोनों में से लोअर कौन है, 8, तो 8 लेंगे हम लोग, 8 इंटू इसका यूनिट कितना है 250, सो इक्वल टू 8 इंटू 250 इक्वल टू 2000, ओके। सिमिलरली हम लोग लेते हैं लग्जरी, लग्जरी कितना है 18, ठीक है, कॉस्ट उसका एंड उसका एनआरवी हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। अब इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 10, तो 10 लेते हैं एंड 10 इंटू 150 सो इक्वल टू 1500। अब जस्ट टोटल कर दो इसका कितना आता है आपको, प्लस 1500 प्लस 1200, सो 4700 ये आपका ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ओके
6.12 में बोल रहा है आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड कार्ड शो द फॉलोइंग डिटेल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 28 फरवरी यूजिंग फीफो मेथड। अच्छा फीफो मेथड से, सो टोटल इन्वेंट्री आपके हैंड में कितना है, टोटल इन्वेंट्री इन हैंड पूरा ओपनिंग वगैरह परचेज करके कितना है आपके पास। सो 50 आपका स्टॉक में था, 100 परचेज किया प्लस 100 एंड फिर 80 सोल्ड की, फिर 50 परचेज किया, सो 50 परचेज तो इक्वल टू 200 हो जाएगा। 50 स्टॉक में था, 100 परचेज किया एंड 50 फिर से परचेज किया, तो आपका ऑल टुगेदर 200 हो गया। एंड आपने सोल्ड कितना किया है, सोल्ड यूनिट, सिर्फ यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कॉस्ट की नहीं। इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री यूनिट, यहाँ पे यूनिट डाल देती है यूनिट्स, एंड आपका ये आपका हो जाएगा यूनिट्स, ये भी सोल्ड यूनिट कितना हो जाएगा, सोल्ड कितना किया है 80 प्लस 60, सो 80 प्लस 60 सो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 प्लस 60 140। सो आपको बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस इक्वल टू 200 माइनस 140 इक्वल टू 60 बैलेंस हो गया। अब देखो ये 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट, बताती हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके देखो आपके पास 50 था, आपने 100 परचेज किया, टोटल हो गया 150, जो 80 बेचा 50 यहाँ से बेचोगे, ठीक है, एंड 30 इसमें से बेचोगे तो 70 यहाँ बच गया आपका, और 70 यहाँ बचा तो 50 उसका 60 सोल्ड किया तो 60 यहीं से सोल्ड हो जाएगा, तो 10 बचेगा यहाँ पे, तो आपका 10 होगा 45 पे वैल्यूएशन एंड बाकी प्लस 50 इंटू 50 सो इक्वल टू 450 प्लस 250 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 700 700 ही होगा, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, जस्ट वेट फिफ्टी स्टॉक में था हमारे पास, तो हमारे पास 50 था एंड वी परचेज 100 150 एंड परचेज 50 200 हो गया, ठीक है, एंड 80 सोल्ड किया एंड 60 सोल्ड किया, 140 सोल्ड कर दिया हम लोग ने, 60 हाथ हाथ में बचा, तो 60 हाथ में बचा तो 50 नीचे का ये बच गया है पूरा और 10 यहाँ से बचा होगा, तो 10 के हिसाब से 450 एंड 5% ये, अच्छा ये यहाँ पे एक जीरो मिसिंग है, ओके सो कितना हो जाएगा आपका ये 2950। देखो तो बैलेंस 60 बचा आपका, तो नीचे का 50 ऑलरेडी बचा हुआ है, इसी के कॉस्ट ले लेंगे और 10 यूनिट और चाहिए 60 के लिए ना, 10 यहाँ से ले लेंगे तो 10 × 45 एंड 50 × 550 तो आपका आंसर होगा 2950। ओके तो क्वेश्चन 6.13, आईएस टू इन्वेंट्री डिफाइन द आइटम दैट मे बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर बाई ए बिजनेस, विच इज द फॉलोइंग लिस्ट कंसिस्ट ओनली द आइटम विच मे बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू आईएस टू। ओके सुपरवाइजर वेजेस ना हम लोग नहीं लेते हैं सुपरवाइजर वेजेस, एक सेकेंड सॉरी 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 इट्स माई मिस्टेक, हम लोग को इंक्लूड करना है सुपरवाइजर, हम लोग वेजेस लेते हैं, कैरीज इनवर्ड भी लेते हैं, कैरीज आउटवर्ड नहीं लेते हैं, तो ये ऑप्शन यहीं पे हट गया। सो रॉ मटेरियल होता है, कैरेज इनवर्ड भी होता है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड, स्टोरेज कॉस्ट नहीं आता है हमारा, तो ये भी ऑप्शन यहीं पे हट गया। प्लांट डेप्रिसिएशन, ओके सो प्लांट डेप्रिसिएशन भी लेते हैं हम लोग, कैरेज इनवर्ड भी लेते हैं, रॉ मटेरियल भी लेते हैं एंड सुपरवाइजर वेजेस भी लेते हैं, सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, कैरेज आउटवर्ड डाल दिया, कैरेज आउटवर्ड हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सो ये नहीं आएगा, ये मैंने ध्यान से उतर गया सुपरवाइजर वेजेस, सॉरी ये गलती हो गया मेरे से, सुपरवाइजर वेजेस आता है। 6.14, द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स अमाउंटेड टू 11,6400 एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग टू इन्वेंट्री लाइंस, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल फिगर्स शुड हैव बीन एस्टिमेटेड द फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ एक्स इन्वेंट्री, ओके काम करती हूँ इसके लिए, मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ। ओके सो थैंक यू सो मच गाइज़।